नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर, वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद में जिस तरह से सभी पुलिस थानों के जो अधिकारी है या कर्मचारी है ये मुस्तैदी से काम कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गुनाहों को या उन मामलों का पर्दाफाश कर रहे आरोपियों तक पहुँच रहे हैं, उसी तरह से आरोपी भी अब नए नए तरीके अपना रहे अपने गुनाहों को अंजाम देने के लिए। जिसके चलते मीरा रोड के इस नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पिछले सप्ताह में दो बड़ी गाड़ियों की चोरियां हुई। जिस तरह से ये चोरियां हुई है उस अंदाज को या उस तरीके को एक ही तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया गया है, एक ही तरह की मोरस ऑपरेंडी इस्तेमाल की गई है कि जो चोर है, जो प्रोफेशनल चोर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उन प्रोफेशनल चोरों का एक ही तरीका हुआ करता है कि वो गाड़ी के नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है, जो एक मशीन होती है, उस मशीन को पहले वो निकाल लेते हैं और उसके बाद में फिर अपने आगे की वारदात को अंजाम देते हैं। आसानी से गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह की जानकारी पुलिस द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है उन पीड़ितों का जिनकी ये गाड़ियाँ चोरी हुई है और नया नगर परिसर में एक ही हफ्ते के भीतर दो बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें एक फॉर्चूनर है और एक इनोवा है, इन गाड़ियों को चोरिया की जो वारदातें हुई है उसमें क्या कहना है इन पीड़ितों का। भाई, ये घटना घटी है वोडाफोन गैलरी के पास गोविंद नगर के यहाँ पे। ये घटी है सुबह 5 बजे के वक्त में और मेरी गाड़ी है फॉर्चूनर, जो हम आए थे फंक्शन में 2 बजे रात में और बाहर लगाया था हमने गाड़ी मेन रोड की तरफ, और वहाँ से सुबह 5 बजे के टाइम पे गाड़ी चोरी हो गई है। और जब सुबह, मतलब ये टाइमिंग हमने कैमरे में, मतलब जब रिकॉर्डिंग देखे तो उसमें पता चला, तो हम तो सुबह में 7-8 बजे के टाइम पे गए थे वहाँ पे, तो देखे तो गाड़ी खड़ी नहीं थी। ऐसा ये अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा गैंग है इनका, कि 4 से 5 लोग हैं जो स्विफ्ट डिज़ायर में घूम रहे हैं और पूरे मीरा रोड की इन्होंने सर्वे कर ली है अच्छे से, गली चौराहे को इन्होंने समझ है। और ये लोग जो है बहुत मास्टरमाइंड आदमी लोग हैं, बिकॉज ये लोग बहुत तरकीब के साथ में गाड़ी को बिना कुछ नुकसान दिए हुए लेके निकल रहे हैं और एकदम मस्के में, मतलब जैसा कि इनके पास में कोई डुप्लीकेट चाबी है ऐसा, इस तरीके से। और अभी तक का नतीजा तो ऐसा है कि कोई लीड हाथ नहीं लगी है, खाली बस पुलिस ने पंचनामा की है और हर कैमरों में खाली चेक हो रहा है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक निकली है, ऐसा है। बाकी और कोई ऐसा उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है कि हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी यहाँ है कि ये चोर है। मतलब बहुत बड़ा एक क्राइम हो गया है कि भाई कोई बाइक चोरी नहीं हुई है या कोई ऐसी छोटी मोटी वैगनार या स्विफ्ट चोरी नहीं हुई है, जो गाड़ी गई है वो बहुत बड़ी गाड़ी है फॉर्चुनर। तो सबसे पहली चीज़ तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब ये हो गया है कि चैलेंजिंग हो गया है कि इतनी बड़ी गाड़ी आज अगर रोड से चोरी हो सकती है तो मतलब छोटी मोटी तो आम है उनके लिए, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि भाई चलते चलते एक आदमी उठा के निकल जावे। मेरे साथ ये मेरा दोस्त है, विकास नाम है इसका। मैंने इससे रात को गाड़ी लिया 2:15 बजे, मैंने अपनी बिल्डिंग के नीचे लाके खड़ा करा 2:15 बजे के टाइम पे। हम लोग जाने वाले थे सुबह बाहर कहीं, तो मैंने लाके गाड़ी खड़ा करा, तो 5 बजे मैं नीचे उतरा तो गाड़ी वहाँ से गायब था। मैंने इसको फ़ोन करा, मैं बोला शायद ये गाड़ी लेके चला गया रहेगा, इसको फ़ोन करा तो बोला गाड़ी लेके नहीं। फिर मैंने क्या नाम है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करा, CCTV फिर सुबह चेक करे तो हमने चोरी हो चुकी थी गाड़ी। तो फिर हमने क्या नाम है साहब से जाके बात करे तो साहब बोले हाँ हम लोग कर रहे हैं। फिर सुबह 10:30 बजे के टाइम पे CCTV सारे चेक करे, आगे तलक चेक करा तो गाड़ी वहाँ से यू टर्न मार के काशी मीरा से लेफ्ट मार के गाड़ी आगे चली गई। मेरा गाड़ी था इनोवा, वो आर्केन होटल के सामने खड़ी थी, टॉप मॉडल था। वहाँ से वो लोग एक स्विफ्ट में कुछ लोग आते हैं 3-4 लोग, वो लोग वहाँ पे आके गाड़ी लगाते और उसमें से उतरते और चाबी लगा के सीधी गाड़ी वो लोग चल देते, रुकते भी नहीं गई। और एक गाड़ी राइट मारती है और एक लेफ्ट मारती है। क्या आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग है? ये सर, ये 100% बहुत बड़ा गैंग है ये। और इसमें तो ये हो रहा है कि ये लोग पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी 9 तारीख को मेरा गाड़ी हुआ था चोरी, अभी एक गाड़ी 15 तारीख को और चोरी हुई है फॉर्चुनर। अभी ये तो ऐसा हो रहा है कि गाड़ी किसी की भी ला के खड़ा करो, ये लोग लेके चल लेंगे। और हमारे कमिश्नर साहब इतने अच्छे हैं, मगर उनके सामने, उनकी आंखों के नीचे ये काम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या नाम है उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, मगर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अब अगर ऐसे क्या नाम है हम लोग गाड़ियाँ ला के खड़ा करेंगे और फिर गाड़ी चोरी हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही क्या नाम है हम लोग मर चुके हैं, अभी कुछ भी हाथ में नहीं है। अभी मैं इसकी गाड़ी मांग के लाया, अभी मैं पैसे उसको कहाँ से दूँ, कहाँ से मैं पैसा भरूँ उसका? और जिस दिन गाड़ी चोरी हुई है उस दिन हम लोग स्कूटी से विरार के तरफ, वसई की तरफ, जहाँ तक हम लोगों से बन सका हम लोगों ने कोशिश करी है,
उसके अलावा फिर हम लोग आज 4-5 दिन हो गए 9 तारीख से, उसके बाद भी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लोग हिदायत देते हैं कि चोरी की गाड़ियां इधर जाती हैं, जो भी है इधर लेफ्ट मारा वो जंगल में देखो, तो हमसे जितना बन पा रहा हम जा रहे हैं। जितने भी आसपास अपने जंगल हैं हम लोग रात को 1-1 बजे जंगल में भी जा रहे हैं, बड़े से बड़ा हम लोग भी जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस हम लोगों को कोई खास एक्शन में दिख नहीं रही है। नया नगर पुलिस की माने तो इस पूरे वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई एक गैंग का हाथ हो सकता है जो एक ही तरीके से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जो चोर है ये प्रोफेशनल है और इन्हें जैसा ऑर्डर मिलता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, उस ऑर्डर उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। उस तरह की ही गाड़ियाँ ये लोग आगे चोरी करके पहुँचाया करते हैं, इस तरह की जानकारी भी हमें हाथ लगी। जिस तरह से चोर अपनी वारदातों को अंजाम देकर एक तरह से पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, एक ही हफ्ते के अंदर 2 अलग अलग गाड़ियों की चोरियां हुई है, उन मामलों में नया नगर पुलिस को कब तक सफलता प्राप्त होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।